inspirational and motivational words from us. सिंगापुर में स्टार्ट किया, ऑस्ट्रेलिया, पूरा मिडिल ईस्ट एंड अफ्रीका, तो 20-25 कंट्रीज में हमारे ऑफिस है। जो एंजल इन्वेस्टमेंट की का दौर था या जो मैंने स्टार्ट किया, जितनी भी मेरी अर्निंग होती थी, सैलरी होती थी, डिविडेंड होते थे, वो मैं उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता था। और वो यहां जानने की जरूरत नहीं कि एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे आप में से मान लो दो चार लोग कोई कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, आप लोगों ने जैसे सर ने कहा कि जैविक खेती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, आप कोई प्रोजेक्ट जब बनाते हो, कॉन्सेप्ट बनाते हो, पावर पॉइंट, पीपीटी, एक्सेल शीट पर आपने कोई काम करना है, तो जब आपको स्टार्टिंग का पैसा चाहिए होता है उसको सीड मनी बोलते हैं। सीड मनी आपको 1-2 लाख 5 लाख चाहिए होता है, फिर आपको उसको नेक्स्ट लेवल में जब आप देंगे उसके बाद में आपको ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, तो उसको एंजल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और जब आपको 6-7 करोड़ 8-10 करोड़ चाहिए होते हैं तो उसको वीसी फंडिंग बोलते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग। ये मेरी एक छोटी सी जर्नी थी। मेरे को बहुत मुश्किल होती है समझाने के लिए क्योंकि मेरे को बहुत कम लोग जानते हैं हमारी तरफ में, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है। इन सब चीजों में जो छोटी सी बात आती है जो आप भी सोचते होंगे, लोग बोलते हैं आप सक्सेसफुल हैं, तो सबसे पहले ये जानना होता है कि सक्सेस है क्या। क्या ये पैसा कमाना है, क्या ये गुडविल कमाना है, नाम कमाना है, बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। जब आप इस इंस्टीट्यूशन से आगे जाए तो आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है, मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है या मैं कोई काम करूंगा। शायद मैंने गांधी सर से काफी बात की, तो यहाँ मतलब जितने स्टूडेंट्स आप लोग आते हैं बहुत मतलब जैसे मैं जब वहां से आता हूँ, हमारी खेती बाड़ी है, हमारे बहुत सारे और कितने सारे काम होते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से एक छोटी सी शेयर करना चाहता हूँ। कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में होंगी और आपको काम आएंगे, तो सबसे पहले वो है जहां पर आज आप यहाँ पर हैं, ये इंस्टीट्यूशन एजुकेशन। कभी भी एजुकेशन को मत छोड़ो, आप इसको बहुत तरीके से सीख सकते हैं, आप बुक्स पढ़ सकते हैं। आज के डेट में सबके पास मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन्स हैं, सब लोग सोशल मीडिया में कोई कहीं कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है,
आप लोग बहुत कंस्ट्रक्टिव काम कर सकते हैं उसमें। आप लोग यूट्यूब पर भी जाते हैं तो आप पूरी, आप पता नहीं कितना लोग आप जानते होंगे, आप पूरी की पूरी सारी अपनी बुक्स, पूरे लेक्चर सब आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज है। तो जो हम जो मेरी नेचर ऑफ बिजनेस में क्या है, जब मैं यूके गया तो वहां पता चला कि कोई डोमेन होता है। कितने लोग, कितने बच्चे जानते डोमेन नेम क्या होता है? कोई एक था डोमेन नेम क्या होता है? देखो मैं आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं जिससे सारे के सारे आप लोग एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, और मैं आप लोगों को वो सीक्रेट बता सकता हूं पैसे कैसे कमाए जाते हैं। डोमेन नेम होता है जैसे google.com नाम, जैसे किसी का नाम अंकिता शर्मा है तो अंकिताशर्मा.com। सो डोमेन नेम एक घर की जमीन की तरह से है, मतलब मैं बड़े लेमन लैंग्वेज में समझाऊंगा आप लोगों को। जैसे आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, आप लोग देखते हैं कि इतने सारे उसमें एड्स आ रहे हैं, राइट? आप लोगों को ये भी नहीं पता है कि आप लोग जितनी एड्स देखते हो, जितना क्लिक करते हो, कोई कंपनी लाखों रुपए उसमें से कमा रहा है। तो अभी जैसे जो शायद म्यूजिक वाली लड़की थी जो कोई गाना या वो है, मैं बहुत दिनों से भी सोचता था कैसे हिमाचली कल्चर है। एक YouTube चैनल जो होता है, आप सब YouTube चैनल बना सकते हैं अपना। उस YouTube चैनल में कंटेंट है, कंटेंट क्या होता है, कोई फोटो, कोई वीडियो, और फिर उसमें आपके यूजर्स आते हैं। तो इसमें से कितने बच्चों के पास में LinkedIn का अकाउंट है? किसी का LinkedIn अकाउंट नहीं है। ट्विटर के अकाउंट कितनों के पास? बहुत कम। और फेसबुक का सबके पास, बिल्कुल है सबके पास। नहीं, अच्छी चीज है, ऐसे कमाने वाली चीज। सो जो प्रोफेशनल कम्युनिटी में सोशल मीडिया है, उसमें आप LinkedIn और ट्विटर को काफी अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है shubhru.com और वो एक हमारी कॉर्पोरेट वेबसाइट है, हमने सोचा हम पैसे कैसे कमाए। तो आप एक डोमेन नेम लेंगे, जैसे आप कभी भी जब कुछ सर्च करना चाहते हो तो आप google.com पर जाते हो, आप घूमने आपने यूरोप में जाना है तो आप लिखोगे यूरोपियन ट्रेन, कुछ लिखोगे आप, वो फ्लाइट टू बॉम्बे करोगे, आप सर्च करते हो गूगल, आपको बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, उसमें एड लिखा होता है ऊपर में, कुछ लेफ्ट में आते हैं, कुछ राइट में आते हैं, ये सब पैसा है। तो आप जिस वेबसाइट पर क्लिक करते हो, जैसे इसने फैशन ब्लॉग पर क्लिक किया, कोई लड़की कोई शूज देख रही है, आप ब्रांड का नाम जानते हो तो आपने उसका नाम लिखा, ब्रांड में डाला, आपको बहुत सारी एड्स नजर आए। जैसे ही आपने वहां क्लिक किया तो आप उस वेबसाइट पर जाते हैं और फिर आपको प्रोडक्ट खरीदते हैं, या आपको बहुत सारी एड्स दिखते हैं। तो आप जब डोमेन नेम लेंगे तो आप उसके लिए, जैसे आपने मैंने कहा कि अंकिता शर्मा है, उसको अपना ब्लॉग बनाना, आपने डोमेन लिया, आप ब्लॉग फ्री में बना सकते हैं जो वर्डप्रेस वगैरह पर होता है। तो ये मैं बड़ी एडवांस लेवल की चीजें बोल रहा हूं, बेसिक चीज क्या है, जैसे यहां पर वेब डिजाइनिंग का शायद कोई कोर्स हुआ होगा। पॉइंट ये है कि ये फर्क नहीं पड़ता है वेदर दिस इज ए गवर्नमेंट कॉलेज, वेदर इट्स ए रूरल कॉलेज, नो, सबके पास सेम ब्रेन है। और ये स्टार्ट कहां से होता है? इंटेंशंस, थिंकिंग। सबसे पहले आप सोचोगे मुझे यहां से नीचे जाना है,
मुझे आग्रह किया था कि ऐसे कोई फंक्शन है, उस टाइम में मुझे पता नहीं था कि हमारा फंक्शन है, सभी जो पीटीए के मेंबर्स हैं, जो मीडिया से आए हुए हैं, सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर उपस्थित हैं, यस। मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आता हूँ और मैंने भी आप ही की तरह एक बहुत संघर्ष वाला जीवन देखा है, बिताया है। वो समय बहुत दूसरा था, शायद जब 10th में 1985-86 में, और जब कॉलेज में मैं शायद 89 में गया था, और आज की जो वर्ल्ड है, और उस समय के जब लैंडलाइन नहीं होते, और आज के जो युग है, आज का जो टाइम है, आप सबको पता है कि आप सब लोगों के पास में स्मार्टफोन से और हम कितना आगे जा चुके हैं। मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं हूं, बट आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लर्निंग। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरे को यहाँ पर इतना सम्मान दिया, और मुझे बहुत खुशी होती है कि ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां से आप जो चाहे वो लाइटर बन सकते हैं, यहीं से आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, यहीं से बिजनेसमैन बनते हैं, यहीं से सब बिलियन डॉलर इंडस्ट्रीज के ओनर्स बनते हैं। ये वो इंस्टीट्यूशन है। मेरी जर्नी बहुत सिंपल आपकी तरह, एक छोटा सा शायद जो मैडम ने कहा था उसमें मैं डेली 25 किलोमीटर आता जाता था एक तरफ ने कहा, क्योंकि मेरा गांव अंधारा है और रोड रेडी में स्कूल होता था जो 12.5 किलोमीटर दूर होता था। तो 2 साल कोई बहुत ज्यादा नहीं है, आज की आज के समय में भी यहाँ पर बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं, जाते हैं, कोई बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है कि कोई पैदल जा रहा है और सब कुछ कर रहा है। टेन के बाद में मैं जब पहुंचा गया पहली बार, तो शायद मैंने प्रॉपर हिंदी बोलना भी पोंटा साहिब में सीखा। मेरे जो बड़े भैया थे वो जो वालिया पेट्रोल पंप थे पोंटा साहिब में, उनके पास काम करते थे घर में, तो केयर टेकर टाइप होते हैं ऐसे। तो मैं वहाँ गैराज में रहता था, वहाँ से मैंने शुरू किया था, वहाँ से भी सारोदा स्कूल में पैदल जाना होता था। लेकिन फिर उन्होंने मेरे लिए ढाबा किया, मैं भी ढाबे में काम करता था, तो बहुत बड़ी बातें नहीं है, आज की डेट में भी सब करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सब चीज़ें हैं। वहीं से मैंने नाहन कॉलेज में ग्रेजुएशन ली, बस में जाते थे 40-50 किलोमीटर दूर, वो एक छोटा सा सफर था। उसके बीच में मुझे बहुत सारे लोग दिखते गए, और उन सबसे जो लर्निंग मिली उनको आगे ले जाता रहा, लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ी। शायद सेकंड ईयर या फाइनल ईयर डिप्लोमा में मैं आर्मी में चला गया, कोर ऑफ इंजीनियर्स में मेडिकल लाइन में, और मैंने वहां तक तीन ऑफिसर्स के एग्जाम दे दिए। आर्मी में एक एग्जाम होता है ACC का, आर्मी कैडेट कॉलेज, उसके जैसे एनडी हो गया एक तरह से होता है। तो मैंने क्योंकि कॉमर्स पढ़ी थी, तो आर्मी में आपको बहुत चांस मिलते हैं पढ़ने के, तो मैंने 10-15 प्लस 2 की साइंस भी पढ़ी, फिर एग्जाम पास करना होता है।
तीन एसएसपीस भी किए, इलाहाबाद, भोपाल, बैंगलोर, ऑफिसर नहीं बना। अब फंसा के मेरे ऑफिसर्स मेरे संपर्क में आए। जब मैंने देखा कि अपने ऑफिसर नहीं बन सकता या कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो मैंने 6.5 साल बाद में आर्मी छोड़ी, लेकिन मैंने पढ़ाई जारी रखी। मैंने आर्मी में रहते हुए फाइनल ईयर भी कॉम किया, मैंने एमए इंग्लिश का 1 साल किया था, ईयर वाइज होता था। जब मैं 96 में वापस आया तो मैंने एमबीए का काम किया, मैं मैनेजमेंट का फील्ड का था, उसका मैथ्रू बोल। और मेरे साथ में 3-4 ऑफिसर्स भी जो थे उनका भी हुआ। तो एक छोटी सी कहानी, आर्मी से बाहर आया, एमबीए किया, फिर मैंने पेप्सी से शुरू किया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ गया। उसके बीच में पेप्सी के बाद में मैंने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था। मुझे बहुत आई गॉट सरप्राइज बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल एनीवेयर कि भारतवर में मैंने ट्रैवल सर्विसेज का कुछ काम किया था। तो बहुत अच्छी चीज है, इसने काफी रिजल्ट की थी। ये जो एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, तब से मैंने सीखा था कि कैसे कैसे कमाने चाहिए, क्या करना चाहिए, मतलब वो सब चीजें। फिर एक और दौर आया मेरी लाइफ में जब मेरा बिजनेस नहीं चला, मैंने एमबीए के बाद में पेप्सी भी छोड़ी और फिर मैं वापस आ गया। हाउएवर मैं 1999 में वापस किया दिल्ली एंड आई स्टार्टेड माय सेकंड करियर। सो फर्स्ट आर्मी, सेकंड वाज ट्रैवल बिजनेस एंड आई स्टार्टेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड अगेन इन 1999। बहुत इंटरेस्टिंग है आपको उनको सुनने के लिए। तो मैंने एमएटी से शुरू किया बिकॉज आई वॉज इन क्लैरिकल लाइन इन आर्मी एंड आफ्टर दैट मैंने एमबीए किया, मैंने पेप्सी में कॉर्पोरेट में किया। लेकिन 1 साल का डिफरेंस होने की वजह से, क्योंकि मैंने काम नहीं किया, तो आई स्टार्टेड एज सेक्रेटरी और समथिंग टू तो एमएटी का नाम जानते हैं, अतुल चौहान जानते हैं, तो अतुल चौहान फैमिली उनके उसमें। हाउएवर दिस इज वेयर माय रियल करियर स्टार्टेड। आर्मी लाइन से मैं कंप्यूटर लाइन में था और एमएटी में बहुत सारा एक्सपोजर मिला, मार्केटिंग साइड में आया, डिजिटल वर्क साइड में आया, लर्निंग कभी नहीं छोड़ी मैंने। और 2003 में मैं ओसवाल ग्रुप में आ गया, मैनेजर ई कॉमर्स। ये जो आप कोर्स देखते हैं पैंटलून, अब तो बहुत सारे हो गए, मार्क्स एंड स्पेंसर, ये सब रिटेल बिजनेस होता है, इनकी मार्केटिंग के लिए मैं ओसवाल ग्रुप में गया। वहां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 में मुझे मौका मिला एंड इन 45 डेज We sold 55,000 t-shirts on India Time online. तो मैं ऑनलाइन कैटेगरी में इस टाइम से आया। तो 2004 something 3 and 4 I joined Times Group India Times in e-commerce. India Times was like number one e-commerce portal at that time. 1.5 साल मैंने वहां बिताया और वहां से मुझे मौका मिला यूके जाने का। जब यूके गया तो वहां पता चला डिजिटल मार्केटिंग कितनी एडवांस है। एक डीयू मीडिया पीएलसी कंपनी थी वहां पर, मैंने उसको ज्वाइन किया, 1 साल वहां रहा और 2006 में मैंने उसी कंपनी को
इंडिया में लॉन्च हुआ। इट वॉज दी फर्स्ट एफिलिएट नेटवर्क इन इंडिया। जो एफिलिएट मार्केटिंग है, ये जो हम करते हैं, मैं इतनी जल्दी सबको नहीं बता सकता हूँ क्या है। हम बहुत एडवांस लेवल की डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। आप ये सोचो कि गूगल के हमारा क्लाइंट है, मेरी जो टीम है वो गूगल के साथ बात करती है, उनको भी बता देती है मार्केटिंग क्या होती है, हालांकि वो एक सर्च इंजन है। टू थाउजेंड सेवन एट में मैंने शुरू ग्रुप स्टार्ट किया।